हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी लाइफ में कौन सी आदतें अच्छी है, कौन सी आदतें बुरी है। फिर भी कभी कभी हम हमारी लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण हम आगे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम अपनी लाइफ में अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को कम्फर्ट जोन में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को हम कभी भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहते हैं। तो आज हम ऐसी आदतें के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी लाइफ में बहुत आगे जाके फायदा होने वाला है। तो बात करते हैं अच्छी आदतों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि लाइफ में हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हम बात करेंगे हमें कौन सी बातें अच्छी लगती है। हम बात करते हैं तो देर रात तक हम मोबाइल चलाते रहते हैं, लेट से सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, मोबाइल चार्जिंग में लगा के फिर से मोबाइल चार्ज हो जाए तो फिर से मोबाइल चलाने लगना, पूरा दिन आराम से सोफे पे लेट के पूरा दिन मोबाइल चालू करके पूरा मोबाइल देखना, बाहर का खाना और तीखा चटपटा खाना, अपनी हेल्थ के बारे में कभी भी बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, हम ये हमारी बुरी जो आदतें हैं उसे हटाकर उसकी जगह अच्छी आदतें लगा सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन सी अच्छी ऐसी आदतें हैं जिसको आप अपनी लाइफ में ऐड करने से आगे आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में। अच्छी आदतों के बारे में बात करने से पहले मैं उसके फ़ायदे के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे कि अन्य लोगों से ज़्यादा एनर्जी हमारे में आ जाती है, दूसरे से ज़्यादा टाइम हमारे पास बचता है, दूसरों लोगों से ज़्यादा वर्कआउट हम कर पाते हैं, नए नए और अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं सुबह सुबह में, सुबह का मौसम देखने को मिलता है जब हम वॉकिंग के लिए जाते हैं, या फिर सुबह में किसी भी जगह पर गार्डन में या फिर किसी भी जगह पर आप वॉकिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको नए नए लोग मिलते हैं और उन लोगों से मुलाकात होती है, अच्छी अच्छी बातें होती है, अच्छा मौसम देखने को मिलता है। उसके साथ हम बात कर रहे थे कि एनर्जी की, जो लोग अभी सो रहे हैं उससे ज़्यादा आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी, ताकि आप अपने शरीर के लिए जो वर्कआउट कर रहे हो वो आपके शरीर में ज़्यादा एनर्जी लाता है। सो हम इसके फायदे के बारे में बात कर लिया। इसके बाद हमें ये अच्छी आदतें कैसे लानी है, अपने शरीर में अच्छी आदतें कैसे डालनी है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी लाइफ में हमें अच्छी अच्छी आदतें डालने के लिए सबसे पहले हमें सुबह 3, 4 या 5 बजे उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के हमें वर्कआउट स्टार्ट कर देना चाहिए, बॉडी को वर्कआउट करना पड़ता है। इसीलिए हमारे शरीर को कभी पसंद नहीं होता है कि हमारी बॉडी कंफर्ट जोन से बाहर आए, और हमारा मन कभी नहीं चाहता है कि हमारा शरीर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और वर्कआउट करे, क्योंकि मन को वही पसंद है जो अच्छा होता है और जो मज़ा आता है। इसीलिए हम अपने शरीर को, अपनी लाइफ को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए हमारी लाइफ के लिए जिससे हमें आगे जाके बहुत सारी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो अभी हम बात करेंगे अच्छी आदतों के बारे में। सुबह की अच्छी आदत के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले वॉकिंग या रनिंग। सुबह उठते ही फ्रेश होकर पानी पीकर हमें रनिंग के लिए निकल जाना चाहिए। रनिंग के लिए किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ आपको खुली हवाएँ मिल सके, जहाँ से आप चैन से सांसें ले सके। और उसके बाद बात करें तो सुबह में आपको खुली जगह पे एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज दूसरी आदत है जो हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करती है। जैसे हमने पहले बात किया कि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी कितनी ज़रूरी है, तो एनर्जी के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। उसके बाद बात करें तो मन की शांति के लिए हम अफर्मेशन या मेडिटेशन करते हैं। आपको मेडिटेशन या अफर्मेशन का मतलब नहीं पता है तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आपको अफर्मेशन या मेडिटेशन का म्यूज़िक मिल जाएगा और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मेडिटेशन से हम अपने लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, पूरा नमोबुद्धि का सिद्धांत उस पर टिका हुआ है। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में पता नहीं है तो आप यूट्यूब से पता लगा सकते हो। उसके बाद अच्छी आदतों के बारे में बताती हूँ तो रीडिंग का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का। सुबह में उठते जितना आप रीडिंग करते हो उतना पूरे दिन में नहीं कर पाते हो। सुबह जितना आपको याद रहता है उतना पूरे दिन में भी पढ़ाई करके याद कर लो तो नहीं याद रहता है। तो सुबह का टाइम रीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सरसाइज हो जाने के बाद आप अपना टाइम रीडिंग के लिए बचा। सुबह के नाश्ते के बारे में बात करें, उससे पहले, नाश्ते से पहले अगर आपको शरीर के लिए एक ग्लास नींबू पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि नींबू पानी में विटामिन सी होता है और हमारी पूरी रात तक बॉडी में कोई भी चीज़ नहीं गई है, तो उससे पहले एक ग्लास नींबू पानी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक ग्लास नींबू पानी पीने के 15 मिनट बाद आप सुबह में हेल्दी नाश्ता कर सकते हो, और हेल्दी नाश्ते में चने वगैरह आप ले सकते हो।